शिव मेरे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए
मुझे ये उत्सव बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए मथुरा में, ऐसे लोगों का एंटरटेन बनता रहता है, तो ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बहुत एंजॉय किया, जनता ने भी एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा आपको? हर हर शंभू। ये ब्रजराज उत्सव 2022 ब्रज भाषा ब्रज की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, जो हमारी विधाएं लुप्त होती जा रही थी उन विधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये उत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। 2008 में ये प्रारंभ हुआ ब्रजराज उत्सव, और आज पूरी हाइट पे है, पूरी ऊंचाइयों पे है, ये पूरे देश में इसकी आगाज है। ये ब्रजराज उत्सव के माध्यम से भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों से यहाँ कलाकार आए हैं। जो विधाएं हमारी ब्रजभूमि में पूर्व से थीं, ब्रजभाषा का प्रचार उतना नहीं हो पाया, अवधि में भोजपुरी में और भाषाओं का ज़्यादा प्रचार हुआ। ये ब्रजभाषा का प्रचार करने में, ब्रज की संस्कृति का प्रचार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा, और इससे एक हमारे जो नए उदयमान कलाकार हैं उनको एक बहुत बड़ा इससे प्रशिक्षण भी मिलेगा। ब्रज के कलाकारों को पूरी तरजीह दी जा रही है, ब्रज के कलाकार इसमें प्रतिदिन हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जब ब्रज के कलाकार ना हों। ये देखिए ब्रज के कलाकार, मैं बता रहा हूँ आपको, शुरुआत ही ब्रज के कलाकारों से हुई है, और यहाँ ब्रज के कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन ब्रज के कलाकार ना हो, प्रतिदिन ब्रज के कलाकार हैं। विभिन्न विधाओं के जो भी यहाँ हैं, पूरी तरह तवज्जो